नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। 8,000 करोड़ का हवाई जहाज श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके शौक पूरा करने के लिए खरीदा जा रहा है 8,000 करोड़ रुपया। लेकिन 100 करोड़ रुपया जिसपे गरीब मजदूर पे मात्र 100 करोड़ रुपया खर्च होगा और वो सब के सब अपने अपने घरों को पहुंच जाएंगे, वो खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन 8,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी के शौक के लिए एरोप्लेन खरीदा जा गया है। नरेंद्र मोदी जी, क्या ये आपके पिताजी का पैसा है? ये देश की जनता की खून पसीने की कमाई है। कौन से नेता का बाप का पैसा है इस देश के अंदर, जरा एक आध नेता जरा बताएंगे? अमित शाह के पिताजी का पैसा है, नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा है, योगी आदित्यनाथ के बाप का पैसा है, क्या नीतीश कुमार के बाप का पैसा है? किसके पैसे के ऊपर तुम ऐश मौज कर रहे हो? डोनाल्ड ट्रंप जो आया था, 100 करोड़ रुपया जो 2 घंटे के ऊपर खर्च कर दिया गया, किसके बाप का पैसा है नरेंद्र मोदी जी? गरीब जनता के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते हो? एहसान दिखा रहे हो इस देश की गरीब जनता के ऊपर? क्या चीज का एहसान दिखा रहे हो नरेंद्र मोदी जी? एक एक रुपया देश का, इस देश की गरीब जनता का पैसा है। अपने यार नीरव मोदी का 65,000 करोड़ रुपया किस खुशी में माफ कर दिया गया घोटालेबाज का? विजय माल्या का पैसा किस खुशी में माफ कर दिया घोटाले का? नीरव चौकसी का किस खुशी में माफ कर दिया घोटाले का? कौन से रिश्तेदार नरेंद्र मोदी जी तुम्हारे खानदान से आते थे वो? इस देश का खून पसीने की कमाई किसके कहने पे तुमने माफ किया इन घोटालेबाजों का? वही नरेंद्र मोदी हो ना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया, देश को तबाह कर दिया, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, लेकिन खाते तो इतना बड़ा हो कि ढकार तक नहीं लेते। पीएम केयर में 151,000 करोड़ रुपया जो रेलवे ने दिया है, वो किसी के रेलवे के बाप का पैसा था क्या? इस देश की जनता का पैसा था। किसका था? कौन से नेता का था? भाषा अपशब्द है, जरूरी है। इस भाषा का ही अभी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब देश की जनता भूख प्यास से मर रही है तो सम्मान के योग्य नहीं हो नरेंद्र मोदी, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता। अभी सारे बिल में चूहे में की तरह घुसे हुए ये नेता हैं। गरीब आदमी, 50,000 आदमी मात्र अभी तक वो घरों तक पहुंचे हैं, करोड़ों की संख्या में आदमी, क्या 1 साल लगेगा इन आदमियों को घर तक पहुंचाने के लिए? सिर्फ 1 सप्ताह के लिए सारी ट्रेनें को चालू कर दी जाए तो एक एक व्यक्ति घर पहुंच जाएगा। कल रेलवे के ये, कल जो दारू के ठेके चालू किए थे, कहां गया वो डिस्टेंशन? किसकी जवाबदेही है? सरकार की नाकामी है। भारत सरकार कोरोना वायरस को इस देश के अंदर फैला रही है, गरीब मजदूरों को मारने के लिए फैला रही है। नरेंद्र मोदी, फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी चाइना से कोरोना वायरस लेके आया और पूरे देश के अंदर महामारी फैला रहा है। नरेंद्र मोदी इसका जिम्मेदार है, अमित शाह इसका जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ इसका जिम्मेदार है, और जो दिल्ली के अंदर दारू के ठेके चालू किए गए हैं, केजरीवाल भी अब इसके अंदर जिम्मेदार है। ये भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के कदम से कदम मिला के चल रहा है, नरेंद्र मोदी के राह पे चल रहा है, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के राह पे चल रहा है। ये लोग कोरोना वायरस को फैला रहे हैं ताकि देश की जनता कम हो। ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, बहुत बड़ा मास्टर प्लान है ये। 100 करोड़ रुपया नहीं खर्च कर सकते? शर्म से डूब मरो चिल्लू भर पानी में। मजाक उड़ा के रख दिया है गरीब मजदूरों का।
दो रोटी तुम उसको दे नहीं सकते और 8,000 करोड़ रुपया तुम सेकंड में लुटा देते हो, 100 करोड़ रुपया सेकंड में लुटा देते हो, किसका पैसा है? मैं पूछ रहा हूं भारत के अंदर कौन से नेता के बाप का पैसा है ये? एक नेता बता दे हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब मजदूरों के ऊपर 10 रुपया खर्च किया हो, उनका खून चूसते हैं ये नेता। ये नेता खून चूसते हैं। गुजरात के अंदर जितना बुरा हाल, पूरे भारत के अंदर यूपी बिहार झारखंड के मजदूरों का किया हुआ है, ये कोई और दूसरा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये गरीब मजदूरों को गुजरात के अंदर एक एक दाने के लिए तरसा के मार रही है, एक एक दाने के लिए तरसा के मार रही है। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनल पीएम केयर अकाउंट क्यों खुलवाया? क्या नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब देंगे? और जितना पैसा 500 करोड़ टाटा ने दिया, 100 करोड़ अंबानी ने दिया, अभी 150 करोड़ रुपया रेलवे ने दिया, ये रेलवे का पैसा किसका है? सरकार का पैसा है। जब सरकार का पैसा है तो नरेंद्र मोदी के पर्सनल अकाउंट में क्यों दिया गया, किसके लिए दिया गया, क्या किया नरेंद्र मोदी ने इन पैसे को लेके, किसके पास, किसके लिए नरेंद्र मोदी ने पर्सनल अकाउंट के अंदर पैसा मंगाया? प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा क्यों नहीं मंगाया गया? आखिर नरेंद्र मोदी से इसका हिसाब कौन पूछेगा और किसको जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी? ये बताना पड़ेगा। कल 11 बजे अगर नरेंद्र मोदी जी आपने सही डिसीजन लेके गरीब जनताओं को जल्द से जल्द उनको घर पहुंचवाने का काम नहीं किया तो कल 11 बजे भारतीय मित्र पार्टी नीतीश कुमार का, योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री का, केजरीवाल का, सभी का पुतला फूकूंगा कल 11 बजे। ध्यान रहे। और जवाब चाहिए इस देश की जनता को कि प्रधानमंत्री जी ने जो पर्सनल अकाउंट के अंदर पैसा लिया वो पैसे का क्या किया, और 8,000 करोड़ रुपए का विमान जो खरीदा गया पर्सनल उड़ान के लिए नरेंद्र मोदी जी, वो किसका पैसा है, किसके पैसे का आप ऐश मौज कर रहे हो? क्या आपका पैसा है? कहां से कमा के लाए हो भाई? और ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री पर्सनल एयरप्लेन खरीदते हैं, किसका पैसा है, किसका पैसा है? ये मुख्यमंत्रियों सब ऐश मौज करो और जब गरीब जनता की बारी आए तो उनका खून चूसो, उनको भूखे मारो, शर्म नहीं आता? अरे निकम्मो, हिंदू मुसलमान की यदि तुम बीमारी ना फैलाते तो तुम्हारे अंदर एक भी क्वालिटी नहीं है भारत में किसी नेता के पास, चाहे वो सत्ताधारी का हो चाहे विपक्ष का हो, उन नेताओं में कोई क्वालिटी नहीं है। और ये हमारे देश का दुर्भाग है, सबसे बड़ा दुर्भाग है कि हमारे देश के अंदर जाति नाम जाति पाति पे वोट देते हैं, हिंदू मुसलमान पे वोट देते हैं। ये देश की जनता का भी एक बहुत ही बड़ा चूक है, उसी का खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को किसी ने विकास के नाम पे मत नहीं दिया है, हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के मत दिया गया है। इस बीमारी से यदि अब नहीं निकलोगे देश की जनता, तो समझ लो इस देश का तो बेड़ा गर्द होगा लेकिन तुम्हारा भी बेड़ा गर्द होगा। इस बीमारी से निकलना पड़ेगा। अगर देश से प्रेम करते हो, अपने समाज से प्रेम करते हो, अपने बाल बच्चों से प्रेम करते हो, तो इस बीमारी से बाहर निकलना पड़ेगा। एक भी नेता में कोई क्वालिटी नहीं है हमारे देश के अंदर।
बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। क्या विश्व गुरु बन गया भाई? पूरी दुनिया में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इस एक साल में पूरी दुनिया में थू थू हो गई है। किस लिए? पूरी दुनिया ने जान लिया है कि नरेंद्र मोदी के विचार सही नहीं है, नरेंद्र मोदी के विचार सही नहीं है। और अभी तो अमित शाह के ऊपर अमेरिका तक बैन लगाने की बात कर दिया। ये वही नरेंद्र मोदी है कि जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे तो अमेरिका ने बैन लगा दिया था, और आज अमेरिका मित्र बन गया है। एक फटकार लगाई नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने तो सारी जो कोरोना वायरस की वो दवाई है वो सारी अमेरिका को ट्रांसफर करना चालू कर दिया। तो ये है, ऐसे में विश्व गुरु बनोगे? कल याद रखना 11 बजे भारतीय मित्र पार्टी फिर से आप लोग का पुतला फूकेगी, क्योंकि आप लोग इस देश की गरीब जनता के साथ मजाक खिलवाड़, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का काम इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये सब के सब, गुजरात का मुख्यमंत्री, ये सब के सब इस देश की गरीब जनता के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का जो काम कर रहे हैं, ये भारतीय मित्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम विरोध करेंगे चाहे जो परिणाम हो, हम इसकी आवाज उठाएंगे और अंतिम दम तक उठाएंगे। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, मां भगवती, इन जाहिल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सतबुद्धि दे। जय हिंद।